दोस्तों आप ये छोटे छोटे कीड़े देख रहे हैं, ये देखना भाई, मैं भी अंदर गया हूँ, ये बच्चा आराम से सो रहा है और इसको, इसने पूरे बच्चे को ना सारों ने ऐसे करके घेर लिया है। मतलब देखिए आप कुत्तों की क्या हालत है यहाँ पे। एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ अंदर जाऊँगा, ये देखिए देखिए, इनको एक सेकंड भी नहीं लगा मेरे पैर के ऊपर चढ़ने में। और बताओ इसके अंदर हम कैसे चल जाएं। अब ये मैंने आखिरी बच्ची रह गई है, बाकी सारे मैंने अंदर कर दिए हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ फर्श ना लगे तो आप खुद सोचो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि मैं सफाई भी नहीं कर पा रहा सिर्फ इनके लिए, क्योंकि मैं अंदर जाता हूँ और ये मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर ये स्किन डिसीज़ कर देते हैं। मैंने पिछले दिनों लगवाई ही लिया है ताकि ये स्किन डिसीज़ ना हो। देख, अभी भी देखिए ये मेरे पैरों पर चढ़ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे कीड़े हैं ये। इसलिए मैं आपको कहता हूँ थोड़ी बहुत डोनेशन करवा के दें ताकि मैं इनका इलाज कर सकूँ। इनके यहाँ फर्श लगवा देंगे तो ये ज़मीन के अंदर से नहीं निकलेंगे। ये दोस्तों हरमन भी 2 सेकंड के लिए सिर्फ अंदर गया था और देखिए ये इधर से जूतों में सारे में घुस गए हैं, इधर से मेरे देखिए पैरों पर चढ़ रहे हैं सारे। इन्होंने ये भी ये जख्म कर दिया पीछे, कि 2 मिनट के अंदर अंदर सारा वो कर देते होते हैं। ये सारे जितने भी चोट के निशान है ये मेरे इनके ही है। ये देखिए ये ऊपर चढ़ रहे हैं, कुत्तों को सोचिए क्या हाल हुआ अंदर। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा है कि कितना इनका बुरा हाल हो रखा है कुत्तों का, हमारे भी पैरों पर जख्म हो जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे 1000 कॉन्टैक्ट लिस्ट में, बट उसमें से मिनिमम मेरे को 20 जने डोनेशन देते होंगे। आप अगर 100 रुपये भी एक जना दे तो मैं इनका सारों का ये करवा सकता हूँ। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है भी आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें ताकि हम जानवरों को सेफली रख पाएँ यहाँ पे। धन्यवाद।